हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की, मींस मॉडल के एरर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, मॉडल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। वैसे तो ये क्लास मॉडल्स की आज चलते हुए कंटिन्यूस नाइन्थ डे है, नाइन्थ डे ऑफ मॉडल्स एक्सरसाइज है। तो चलिए, जैसे जैसे बच्चे और जुड़ते जाएंगे फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ हैं अभी स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग पंकज, वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? पंकज एक बार ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए, बाकी बच्चों को भी बता दीजिए, फटाफट वो लोग आ जाएं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा और एडवांस मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक से थोड़ा और ऊपर चलने वाले हैं, थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नमस्कार कैलाश, हाउ आर यू? कैसे हैं आप कैलाश जी? कैसा चल रहा है आपका स्कूल? ओके, चलिए तो मैं फटाफट क्वेश्चंस निकाल देता हूं ताकि हम क्लास को स्पीडली ले चले। गुड इवनिंग संदीप जी। हाँ, गवर्नमेंट के आदेश। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम हमारी क्लास को मॉडल्स के क्वेश्चंस। आज है इसका डे नाइन। क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं हम 15 और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकेंड्स। हाँ, आज मैं एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे तो उस वक्त मैं क्लास लाइव कर ही नहीं पाया, तो थोड़ा लेट हो गया मैं। फिर 8:20 हुआ था तो मुझे लगा चलो 8:30 से टाइम से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट तो करें क्लास को, अभी 5 बच्चे तो दिख ही रहे हैं, वो तो पढ़े कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग दीपक जी। हाँ अर्पिता, थोड़ा सा लेट हो गया मैं आज, कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे मिलने के लिए तो फिर क्लास एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाई। चलिए, गुड इवनिंग आयुषी। चलिए पहला क्वेश्चन है, डैश आई ऑर्डर अ टैक्सी फॉर यू। डैश आई ऑर्डर अ टैक्सी फॉर यू। ओके,
बाकी लोग आंसर दें फटाफट, काफी टाइम लग रहा है आंसर देने में। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलो तो बिल्कुल सही। क्या मैं आपके लिए एक टैक्सी ऑर्डर कर दूं, मतलब बुला दूं? तो पूछ रहा है वो, मस्त तो है नहीं, नीड भी नहीं है क्वेश्चन में, और विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेटिव काम भी नहीं करता। एक ही शब्द है, वो है शैल। शैल आई ऑर्डर अ टैक्सी फॉर यू? क्या मैं आपके लिए टैक्सी, यहाँ पे नीड की आवश्यकता है, नीड आई ऑर्डर? क्या आपके लिए टैक्सी ऑर्डर करने की आवश्यकता है? ऐसा ना बोल के पूछा है उसने, तो पूछा है इसलिए हम शैल पे जाएंगे। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ए। दैट्स गुड, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ए। आज थोड़ा सा एडवांस मॉडल लेके चलूंगा मैं, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, वॉइस मैंने बोला नहीं विक्रम, शायद इसलिए नहीं आ रही है। अब आइए, दूसरा क्वेश्चन। आई रियलाइज हाउ अ बैड सिचुएशन वॉज दैट आई डैश हेल्प हिम टू फेस इट। ए मस्ट बी शुड सी must have can। चलिए अब बताइए, अब बताइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑफलाइन क्लास अभी एक ही बैच चालू हुआ है, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। बस आप अभी एक टाइम पे आ सकते हैं 8 से 9, बाकी फिर मैं 1 अगस्त से और भी बैचेस स्टार्ट करने की प्लानिंग में हूँ, बट मॉर्निंग 8 to 9 आप आ सकते हैं। चलिए तो मैं इसका आंसर बता दूं, कुछ लोगों ने कहा है मस्ट, कुछ लोगों ने कहा है सी मस्ट हैव, कुछ लोग कह रहे हैं बी शुड। ठीक है, और भी देख लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर भेज दीजिए फटाफट। मेरे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों के आंसर आ चुके हैं।
शुड। चलिए, उसने कहा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बुरी सिचुएशन थी। देखो हाउ बैड आ सिचुएशन, कितनी ज्यादा बुरी, मतलब बुरी के सेंस में भी ज्यादा बुरी को बोल रहा है ना। वो कह रहा है कि कितनी बुरी, मैं मदद उसकी मुझे मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए। तो अब आपने कहा कुछ लोगों ने शुड कहा, तो ठीक है वो मन में इच्छा है, एडवाइस है, लेकिन वो एडवाइस नहीं है, वो देख रहा है कितनी बुरी सिचुएशन है। उसने रियलाइज किया इस बात को, इसलिए वो कह रहा है मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड जो है वो गलत है, शुड का आंसर नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों ने मस्ट हैव भी लिखा है, तो देखो मस्ट हैव भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मस्ट हैव, उसको समझ लीजिए। आपने सोचा मस्ट हैव, ठीक है, अच्छा लग रहा है मस्ट हैव सुनकर भी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मस्ट हैव लिखा है, हैव के साथ, फिर मस्ट हैव के साथ आगे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्प, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मस्ट हैव जब भी आएगा तो फिर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, और यहाँ तो हेल्प ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती थी। तो दैट इज अ रीजन हम कैन तो लगाएंगे भी नहीं, आई मस्ट हेल्प हिम, क्या होगा, आई मस्ट हेल्प हिम। तो लॉजिक है उस चीज को समझ लीजिए, अगर आपको मस्ट हैव लगाना है तो लगा लीजिए, मगर यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए थी बाद में, और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ए। आई बात समझ में? अब गड़बड़ मत करिएगा कभी भी, मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन मस्ट हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव वाले जो सेंटेंस हैं उनके साथ आप आगे वर्ब जरूर चेक करिए कि थर्ड फॉर्म है या नहीं है। थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगी आपको वुड हैव, शुड हैव वाले सेंटेंस में। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट दे दी। वन सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही चीज तो सीखते हैं अपन क्लास में, रोज सॉल्व करके यही सीखते हैं कि क्यों हैव आएगा, क्यों हैव नहीं आएगा। ये एक दिन एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी आपको इन चीजों से। अब आपसे हैव वाली गलती नहीं होगी, जब भी हैव लगेगा तो आप सोच समझ के लगा लेंगे। ठीक, चलिए तो मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है मस्ट। ठीक है, क्यों मस्ट? क्योंकि उसने कहा आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए अगर आप अभी भी बुरा फील कर रहे हैं। मतलब एक बार वो बंदा जो है वो डॉक्टर को दिखा चुका होगा, डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी होगी, मगर वो अभी भी उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उसको अभी भी बुरा ही लग रहा है। इसलिए बोलने वाले ने बोला अगर तुम अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तुम्हें तबीयत खराब लग रही है, तो तुम्हें अब डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए। मतलब अब कंपल्शन वाली बात आ रही है, क्योंकि उसने बोला इफ यू आर स्टिल, इस सेंटेंस में जोर दिया गया है, इफ यू आर स्टिल फीलिंग इल, तो स्टिल शब्द से पता चल रहा अभी भी, तो अब तक दिखा दो डॉक्टर को, मतलब जोर दिया गया है इस सेंटेंस में, इसीलिए इसका आंसर मस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है डी। वेरी गुड।
तो जितने लोगों ने मस्ट या डी लगाया उनको मिलते हैं वन मोर मार्क। Yes, मैं भोपाल आ गया हूँ। आई एम भोपाल में, भोपाल में हूँ एट प्रेजेंट कैलाश। हाँ, अगर स्टिल नहीं होता तो उससे शुड हो सकता था उसका आंसर। बिल्कुल सही। चलिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, और इसका आंसर मस्ट ही होगा। वो तो ऐसा कह रहा है चांद पे चलेंगे, चांद पर चलने की बात पागल ही है, क्रेजी लोग ही ऐसी बात करते हैं, हर कोई नहीं करता ऐसी बात, तो ही मस्ट बी क्रेजी। और बी लगा हुआ पहले से था तो बीन वाला रूल तो वैसे भी नहीं आता। ठीक, He dash B Amit, he went to America yesterday. देखते हैं, बताइए। तो उसने कहा वो अमित नहीं होगा, वो तो कल अमेरिका चला गया।
जिसको आपने देखा होगा वो तो अमेरिका चला गया, वो नहीं होगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो कल गया वो आज आ जाए, और जिसको आपने देखा हो, मैंने कह रहा मैंने अमित को देखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूर नहीं होगा ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए, अब तो वो हो ही नहीं सकता। मैंने कल तो वो भोपाल गया, अमेरिका गया, अच्छा अमेरिका से आना जाना कल गया, आज ही तो आएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। चलो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, ही मस्ट नॉट बी अमित, वो अमित हो नहीं सकता या अमित हो नहीं होगा, वो तो कल अमेरिका चला गया, तुमको कहां से दिख गया, तो वो कोई और होगा, तुमको धोखा हो रहा होगा, ऐसा उसने बोला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। पंद्रह में से दस, दस में से पंद्रह, समझा नहीं, लग रहा है आज विनर मस्ट ही होने वाला है, मुझे भी ऐसा लगने लगा है पंकज, अब तो हर सेंटेंस का आंसर धीरे धीरे मस्ट आ रहा है। 15 ही क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन, 15 ही करेंगे, डोंट वरी। क्या बात है, आज का विनर मस्ट ही लग रहा है मुझे भी। उसने कहा मैं जो अब रुक ही जाना चाहिए, मेरे पैर तो मेरी जान ले लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा होगा, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए उसने सोचा कि अब मेरे को रुक ही जाना चाहिए, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है डी, आंसर तो मस्ट ही है, क्या बात है। मॉडल तो नीड्स होता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। ओके चलिए, मॉडल के हिसाब से नहीं, वर्ब के हिसाब से चलेंगे। मॉडल नीड या नीड नॉट होता है, और वैसे भी नॉट के साथ हम, नॉट के साथ हम सम का यूज भी नहीं करते, ये तो वैसे भी गलत होते, माइट भी गलत हो जाता है, नीड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, जो कि सिंगुलर है, बिल्कुल सही।
हाँ, पीएससी का पेपर डिस्कशन होने वाला था, लेकिन आज मुझे टाइम ही नहीं निकल पाया, मैं उसको कर नहीं पाया। लेकिन मैं प्लान में हूँ कि मैं उसको कल ही सॉल्व करवा दूँ। अब प्लान तो मेरा यही था, लेकिन मैं 2 दिनों से कुछ टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। यूज्ड टू मतलब उसने कहा कि उसकी शादी के पहले वो हॉकी खेला करता था। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, करेक्ट। हिंदी की क्लास अभी ऐप में चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई है हिंदी की। बाकी ऑनलाइन क्लास चल रही है ऐप में, माइडस एकेडमी के अपना जो कोचिंग का ऐप है उसमें सत्यम सर अभी हिंदी की क्लास ले रहे हैं, और मैं एक इंग्लिश की क्लास भी ले रहा हूँ 5 बजे से 6 बजे तक। बाकी सत्यम सर की हिंदी की क्लास चल रही है पर ऐप में चल रही है अभी। ऑफलाइन जैसे ही हम 1 तारीख को अब कोचिंग को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद हिंदी की क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन अभी चल रही है। आपको अगर पढ़ना हो तो मुझे आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट नंबर कर लेना, मुझे मैं बता दूंगा। बताइए, हिंदी मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी बता देता हूं तो आप लोग फटाफट समझ जाते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले आप आंसर निकाल लीजिए, हिंदी बाद में बता दूंगा। किचन से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, खाने की खुशबू अरोमा आ ही रही है, तो पक्का जो कह रहा मदर कुछ ना कुछ अच्छा बना रही है, मतलब पक्का बना रही है। इसमें शायद की तो कोई बात ही नहीं है, शुड वुड वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर है सी। यस, आज टिफिन नहीं आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार ब्रोक डाउन, वी डैश हैव टू टो इट।
गुड, कार खराब हो गई है अब तो हम उसको चेन से बंधवा के खिंचवाना ही पड़ेगा क्योंकि चलने वाली स्थिति में नहीं है। ब्रोक डाउन हो जाना मतलब होता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना। अब क्योंकि कार चल ही नहीं सकती तो उसको चेन से टो करना पड़ेगा, बंधवा के खिंचवाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं टो। टो चेन है ना, आपने सुना होगा हिंदी में लोग बोलते टोचन, एक बहुत नॉर्मल शब्द है जो ज्यादातर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या कॉमन भाषा में यूज होते हैं, तो टोचन बोलते हैं ना, ठीक है। तो टोचन लोग गलत बोल देते हैं, इंग्लिश वर्ड है उसका टो चेन। क्या होता है टो चेन? तो वही है, टो वर्ड ही है। टो मतलब बांधकर खींचना, चेन से बांधकर खींचना। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर है ए। आज तो कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ आज तो कुछ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मस्ट और मस्ट ही आ रहा है। वैसे मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं कि जिसका आंसर मस्ट हो, ये इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि हर क्वेश्चन का आंसर मस्ट हो रहा है, पर हमेशा सही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ टोचन कहते हैं, टोचन है ना, भोपाल में भी लोग कहते हैं टोचन। करेक्ट आंसर इज डेयर। क्या बात है, डेयर होना चाहिए इसका आंसर, या शुड होना चाहिए, या नीड होना चाहिए। वो क्या कह रहा है, क्या उसको और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है या आवश्यकता है, क्या उसे और ज्यादा इंतजार करने का साहस है, या भाई हम बोलते क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब जरूरत है क्या, या जाऊं तो नीड आएगा या नीड जाएगा। बात यह है, क्वेश्चन है मॉडल के बेस पे है, लेकिन नीड जाएगा या नीड आएगा, नीड आएगा, नीड ही वेट एनी लॉन्गर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। आंसर इज सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। बताइए,
ठीक, यहाँ जो मॉम है, हमारे जो गार्जियन है, वही हमारे अथॉरिटी है, उनके बगैर पूछे हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है, मे आई गो विथ माई फ्रेंड्स मॉम, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में इंटरोगेटिव और नेगेटिव में कैन आता है। कैन हम तब यूज करते हैं जब हम अथॉरिटी है, वहां पे क्या मदर जो है वो अथॉरिटी है और वो मम्मी से पूछ रहा है उसकी कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊं, इसीलिए उसका आंसर मे हो गया था। गुड, I wish that I would become। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, उसने कहा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप अपना माइंडसेट बदलो, क्योंकि हम अपने माइंडसेट को ही नहीं बदल पाते इसलिए हम सक्सेसफुल हो नहीं पाते, हम हमेशा सोचते ये परिस्थिति है, लेकिन अगर हम माइंडसेट चेंज करके देखें तो वो परिस्थिति फट से बदल जाएगी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो हमारा माइंडसेट है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोच पाते हैं। ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इसका आंसर मस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर हो गया बी। आज हो क्या रहा है, आज तो बी और बी और बी ही चल रहा है।
ठीक, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप तो ठीक लग रहे हो, शुड गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। तो अब देखते हैं कि भैया हमारे टॉपर कितने कितने लोगों के 15 में से 15 नंबर आ गए। अब आज मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 6 टॉपर तो मुझे मिल जाने चाहिए कि जिनके 15 आउट ऑफ 15 आए होंगे। लेट्स सी 15 में से 15 कितने हैं? चौदह आउट ऑफ 15 वाले कितने हैं? वेरी गुड आयुषी। अरे नहीं नहीं आयुषी है, वेरी गुड। तो टुडे टॉपर इज आयुषी, गुड। संदीप वेरी गुड, बहुत बढ़िया संदीप जी। गुड 13 वाले कितने हैं? चलो ये हमारे टॉपर हो गए 15, ये हमारे 14 है, ये 13 है। सॉरी 14 तो कोई आया ही नहीं, 15 कोई भी नहीं आया, 14 आई एम सॉरी। 13 वाले बहुत मिल रहे हैं। कितने 13 वाले? अक्की, आकांक्षा, अर्पिता, क्रिएटिंग माई सेल्फ, कोई अपने आप को बना रहा है, अच्छा नाम रखा है, बहुत बढ़िया नाम रखा है, ये पसंद आया ये नाम, 13 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मींस 13 तो ठीक है, देखो अच्छे मार्क्स हैं 13, मैं इस मार्क्स को बिल्कुल गलत नहीं समझ सकता, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स। और 14 तो वेल डन, आप लोगों ने तो बहुत कमाल ही कर दिया। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे, और बहुत अच्छी क्लास थी आज की, फैंटास्टिक क्लास थी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, इसी समझदारी सूझबूझ के साथ पढ़ते रहिए। कल 2 में से कोई 1 क्लास हो सकती है, या तो हम मिक्स एरर की क्लास करेंगे या फिर पीएससी का जो इंग्लिश का पार्ट आया है उसको डिस्कशन करेंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे, ठीक है? तो देख लूँगा मैं, डिसाइड कर लूँगा, कल पेपर निकाल के मैं देख लेता हूँ, मैं उसको अभी तक देख ही नहीं पाया हूँ एक्चुअली, मुझे टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो इन दो में से कोई एक चीज़ करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक पढ़ते रहिए, जोश बना के चलिए, ठीक है? चलिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड नाइट, बाय बाय। हाँ पंकज का स्कोर आया ना, पंकज ने बताया है 13। पंकज ने स्कोर नहीं बताया। यस पंकज आपका स्कोर कहाँ है? चलिए गाइस एनीवेज चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर एक ब्रेक के बाद।